नमस्कार फ्रेंड्स, हर हर महादेव। तो फ्रेंड्स, मिस्टर कौशल अपने छोटे से चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत करता है। यह है स्प्लेंडर प्लस, जो केवल चली है 12,000 किलोमीटर। ये सेल्फ स्टार्ट बाइक है और इसके अंदर आ चुकी है टाइमिंग चैन की आवाज़। चलिए मैं आपको स्टार्ट करके पहले आवाज़ सुनाता हूँ। तो फ्रेंड्स, ये है इस बाइक के अंदर आवाज़। तो चलिए अब हम इसको आपको टाइमिंग चैन को आज सेल्फ स्टार्ट बाइक में फिटिंग करना बताते हैं। सबसे पहले आपको इसका जो गियर लीवर है उसको खोल लेना है। इसमें लगा होता है 10 नंबर का एक बोल्ट, उसको आप गोटी की मदद से खोल सकते हैं। पहले आप इस बोल्ट को खोलिए और उसके बाद ये जो चैन के ऊपर ये कवर लगा है उसको खोलिए। 8 नंबर के दो बोल्ट लगे हैं और उसके बाद ये जो हमारा जो मैग्नेट लगा होता है यहाँ पर, उसके ऊपर मैग्नेट कवर के ऊपर ये 4 बोल्ट लगे हैं 8 नंबर के। इनको खोल के आपको उस कवर को अलग करना है, लेकिन उससे पहले यहाँ पर एक तार लगी होती है न्यूट्रल लाइट की, उसको आपको ऐसे अलग कर देना है एक बार, ताकि ये तार टूटे ना जब इस कवर को हम ऐसे खोलें। तो इस तरह से आप इसको अलग कर लीजिए। अब हमें इसका जो मैग्नेट है उसको खोलना है। यहाँ पर आप देखिए, हम इसको 14 नंबर के इस नट को खोलेंगे। उसके लिए हम थोड़ा सा यहाँ पर जुगाड़ बनाएंगे। तो यहाँ पर मैं यहाँ पर इस कटर के साथ इस टूल को लगाऊंगा। ये मैंने खुद ही एक छोटा टूल बनाया है, ताकि इस मैग्नेट को कोई डैमेज ना हो जब हम इस टूल से खोलें। तो मैंने इसको पीछे से जो सिलेंडर का एक सिरा है उस पर फंसा दिया है, और आगे ये जो काटर लगी है उस पर इसको फंसा देते हैं और अब राड की मदद से इसको खोलते हैं। देखिए ये कितनी आसानी से खुल गया। फ्रेंड्स, इस पर चोट ना मारें। कुछ मैकेनिक मैंने देखा है इस पर चोट मार के इसको खोलते हैं, जिससे आपकी बाइक जो है बाद में वाइब्रेशन स्टार्ट कर देती है, बहुत ज़्यादा कंपन उसके अंदर पैदा हो जाता है। तो उसके बाद ये पुलर हम इस्तेमाल करेंगे जब ये नट खुल जाए, और इस पुलर को टाइट करें। और टाइट करने के बाद हम यहाँ पर थोड़ा हथौड़ी की चोट मारेंगे और ये आसानी से ऐसे बाहर आ जाएगा। देखिए ऐसे, देखिए कितनी आसानी से बाहर आ गया बिना किसी नुकसान के, बिना किसी डैमेज के। तो उस पुलर को हम अलग कर लेते हैं। और अब हमें यहाँ पर ये देखिए, ये चैन डली है जो सेल्फ की चैन है। तो उसके ऊपर जो है एक लॉक लगा है। पहले जो है हम उस लॉक को खोलेंगे। तो इस तरह से आप इस लॉक को पहले खोल लीजिए, जो सेल्फ की जो पॉकेट है उसके ऊपर लगा हुआ था। अब ये 8 नंबर का बोल्ट खोलिए, उसके ऊपर से पत्ती उतारिए। और अब हमें ये टाइमिंग ये सेल्फ चैन निकालनी है, और ये पहले पैड भी निकाल लें। तो देखिए कितनी आसानी से ये जो चैन है वो बाहर आ गई। अब हम ये जो तो यहाँ पर बोल्ट लगे हैं स्क्रू वाले, तो हम यहाँ पर करेंगे इंपैक्ट ड्राइवर का इस्तेमाल। इंपैक्ट ड्राइवर जो है वो ऐसे जो ये बोल्ट होते हैं उनको बिल्कुल डैमेज नहीं होने देता, और प्यार से उनको खोल देता है। देखिए ये पहली बार खोल रहे हैं, लेकिन कितनी आसानी से इसने इसको खोल दिया बिना किसी नुकसान के। देखिए कुछ भी नुकसान नहीं होता है। तो ये पहली बार ये इस तरह के बोल्ट खुलते हैं, वो बड़े टाइट खुलते हैं, लेकिन इंपैक्ट ड्राइवर से आसानी से खुल जाते हैं। आप चाहें तो पैचकस वगैरह का इस्तेमाल करके भी इसको खोल सकते हैं। तो अब हमें इस प्लेट को बाहर निकालना है। तो हम इसको थोड़ा थोड़ा पहले नीचे से खींचते हैं, ऊपर से खींचते हैं, ऊपर नीचे से थोड़ा इसको हल्का हल्का बाहर खींचते रहें, और ये जो प्लेट है आसानी से बाहर आ जाएगी इस तरह से। देखिए ये प्लेट बाहर आ गई। अब देखिए फ्रेंड्स, 12,000 किलोमीटर बाइक चली है, तो यहाँ पर क्या प्रॉब्लम इसके अंदर हुआ है, कंपनी ने क्या गलती किया। देखिए ये रोलर बाहर ही रखा है, ये टाइमिंग चैन के ऊपर फिट होना चाहिए, लेकिन ये देखिए अब ये इस गलती के कारण कंपनी ने जो किया है, ये रोलर कट चुका है पूरे का पूरा, और ये जो टाइमिंग चैन है जिसके कारण ये आवाज़ कर रही थी। अब ये जब ये चैन लूज होती है, तो इसका जो बीच में रोलर डाला है बड़े वाला, वो भी ख़राब हो जाता है। तो पहले हमें ऐसे छोटा रोलर निकाल लेना है, और अब हम दूसरी साइड में चलेंगे, राइट साइड में। राइट साइड में ये प्लग अडॉप्टर उतारते हैं, और उसके ऊपर से 10 नंबर का ये बोल्ट लगा है यहाँ पर, और इसको खोल लेते हैं। इसको खोलने के बाद आपको इस पर हल्की सी चोट मारनी है, ऐसे
पहले खोल लेना है और उसके ऊपर हल्की सी ऐसे चोट मारें। देखिए हल्की चोट मारेंगे तो क्या होगा, ये जो लेफ़्ट साइड में इसके ऊपर जो प्लेट लगी है ये आसानी से उतर जाएगी। देखिए ये आसानी से उतर गई बिना किसी नुकसान के। तो अब हमें आगे जो ये जो पॉकेट डली है टाइमिंग वाली, इसमें जो 8 नंबर के दो जो बोल्ट लगे हैं उसको बोल्ट के साथ खोल लेना है। देखिए खोलने के बाद हम इस पॉकेट को थोड़ा तिरछा करेंगे ऐसे, और इस तरह से बाहर निकाल लेंगे। टाइमिंग चैन को वहीं छोड़ दें क्योंकि अब हमें रोलर भी चेंज करना है। तो ये 10 नंबर का बोल्ट यहाँ से खोल लें और फिर चैन को थोड़ा सा पीछे की साइड से ऐसे बाहर निकालें। और अब इस रोलर को बाहर निकालने के लिए इसके बीच में ये पेचकस फंसाएं और इसको ऐसे तिरछा करके निकाल लें। देखिए ये कितनी आसानी से बाहर आ गया। और ये जो है हमें चेंज करना पड़ेगा क्योंकि ये जो चैन है ये लूज चली है, और लूज चैन चलने की वजह से ये जो रोलर है वो जो है बिल्कुल ख़राब हो चुका है। देखिए फ्रेंड्स ये तो था टाइमिंग चैन को बाहर निकालने का तरीका। तो इस तरह से आपके जो हीरो की 100 cc बाइक है उसकी किसी भी बाइक की चैन जो है वो बाहर निकाल सकते हैं। तो अब हमें यहाँ पर हीरो के जो ओरिजिनल रोलर हैं उनका इस्तेमाल करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूँ इसकी टाइमिंग चैन बिल्कुल ओके है, ये केवल रोलर के कारण ही आवाज़ आ रही थी। इसके जो रोलर हैं दोनों डैमेज हो चुके थे तो अब हमें उसे ही चेंज करना है। लेकिन मैंने आपको बताया है कि मैं आज आपको टाइमिंग चेंज करना बताऊंगा। तो आप ये मान लीजिए कि मैंने अब जो है अपने हाथों में नई चैन ले ली है तो ये पुरानी, क्योंकि इसकी लाइफ जो है वो नई चैन से कई गुना ज़्यादा है। ये कंपनी की जो साथ जो सामान आता है उसकी लाइफ हमेशा ज़्यादा रहती है बाद के सामान से। तो ये जो 7 का स्पेयर पार्ट है बहुत ज़्यादा मजबूत होता है। तो इस तरह आप इस नई चैन लीजिए और उसको ऐसे अंदर डालिए और फिर उंगली से थोड़ा आगे की तरफ कीजिए ऐसे, ताकि ये जो चैन है ये दूसरी साइड में आपको दिखने लगे। आप देख सकते हैं क्लिपर इसको एक साइड से पकड़ के रखें, जो ऊपर से आपने चैन है उसको पकड़ के रखें, उसको बिल्कुल ना छोड़ें वरना फिर आपको परेशानी होगी। और इस तरह से आप इस ऑयल पंप की जो पॉकेट है उसको घुमाइए और जो चैन जो है वो बाहर आ जाएगी। अब इस चैन को पीछे की साइड से पकड़िए और आगे से पकड़ के रखिए और इस चैन को तिरछा कीजिए। देखिए कैसे ये सीधी है। अब हम इसको तिरछा करेंगे कुछ इस तरह से, तिरछा किया देखिए, आगे से भी तिरछा और पीछे से भी तिरछा। और इस तरह से हम इसको जो क्रैंक है जो पीछे पॉकेट है क्रैंक की उसके अंदर फिट कर लेते हैं। अच्छे तरीके से बैठ जानी चाहिए पीछे से। और ये जो ऑयल पंप की पॉकेट है उसके ऊपर भी इसको अच्छे तरीके से आपको बिठा लेना है। और अब देखिए इस चैन को आपको ऐसे अभी पकड़ के रखना है। अब हमें जो बड़ा रोलर है ये लेना है और इसको हमें आगे की तरफ से डालना है, न कि पीछे की तरफ से। तो हम इसको आगे की तरफ से ऐसे डालेंगे और थोड़ा सा पुश करेंगे, थोड़ा आगे दबाएंगे। देखिए मैं इसको अंगूठे से दबाता हूँ तो ये दूसरी साइड में पहुँच जाएगा। देखिए वो दूसरी साइड में पहुँच चुका है जहाँ पर ऑयल पम्प की स्पॉकेट लगी हुई है। तो इस तरह से हमने रोलर को भी डाल दिया है। अब ये जो चैन है ये हमें इस रोलर को जो है अब बीच में करना है। बीच में कैसे करेंगे मैं आपको वो भी बता देता हूँ, क्योंकि इसके बीच में जो 10 नंबर का बोल्ट लगाना है तो पहले आप इसके पीछे की साइड में पीछे से उंगली की तरफ उंगली से आगे कीजिए इसको। देखिए मैंने इसको पीछे से उंगली डाली और इसको आगे कर दिया। तो मैं आपको दिखाता हूँ इसके जो रोलर है रोलर के बीच में एक होल है। मैं मोबाइल की लाइट जला लूँ, लाइट अब मैंने जला ली है, अब मैं आपको आसानी से दिखा पाऊँगा। तो देखते हैं, देखिए रोलर जो है बिल्कुल बीच में जा चुका है और मैं जैसे चैन को हिलाता हूँ रोलर का जो होल है आपको अंदर से दिखाई दे रहा है ऊपर नीचे होता हुआ। चलिए मैं आपको बाहर से ही दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिए अब ये बाहर से ही आपको साफ साफ दिख रहा है। तो इस तरह से आपको टाइमिंग चैन को थोड़ा ऊपर करना है, कहने का मतलब ऐसे एडजस्ट करना है कि वो वहाँ पर सेंटर में आ जाए। और ये जो बोल्ट है इस पर जो एलुमिनियम की वार्थल है वो जरूर लगा लें वरना ये बोल्ट जो है लीकेज करने लगता है। और जब वो सीध में आ जाए रोलर तो उसके ऊपर ये आप बोल्ट लगा सकते हैं। अब आगे की जो चैन है वो हमें बार बार परेशान कर रही है, रोलर हमने फिट कर दिया है तो अब हमें इसे रोकना है
क्योंकि हमें ये जो दूसरे बोल्ट है उसको टाइट करना है। तो हमें इसको रोकने के लिए क्या करना है फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए मैं दूसरी साइड से अपना जो लेफ्ट है हाथ है उसको पीछे ले जाऊंगा उधर और इस बोल्ट को आगे करूंगा। देखिए ऐसे, देखिए बोल्ट जो है वो आगे आ चुका है। अब मैं टाइमिंग चैन को छोड़ देता हूँ, ये टाइमिंग चैन जो है अब पीछे नहीं जाएगी, देख सकते हैं अब ये इस पर अटकी रहेगी। अब हम बाकी के काम आसानी से निपटा सकते हैं। तो अब हम जो है इस बोल्ट को जो है जो हमने रोलर के बीच में डाला है उसको बॉडी के साथ टाइट कर देते हैं अच्छे तरीके से। इसको इस समय ही अच्छे तरीके से टाइट कर दें क्योंकि कई बार ये बाद में हम गलती के कारण भूल भी सकते हैं, लेकिन हो सके तो इसको अभी टाइट कर दें जैसे मैंने इसको टाइट कर दिया है अच्छे तरीके से। तो अब जो है हमें ये जो टाइमिंग चैन है और रोलर जो है हमने इसको फिट कर दिया है। अब हमें छोटा रोलर डालना है, लेकिन छोटा रोलर अभी नहीं डलेगा क्योंकि अभी जो ये पीछे से पुश रोड है इस पत्ती को धक्का दे रही है, जिसके कारण हम टाइमिंग भी सेट नहीं कर पाएंगे और आगे से टाइमिंग चैन को फिट भी नहीं कर पाएंगे। तो पहले हम यहाँ पर देखिए ये जो इंजन के नीचे यहाँ पर 14 नंबर की गोटी लेंगे और यहाँ पर इस पुश रोड के नीचे 14 नंबर का जो बोल्ट लगा है उसको खोल लेते हैं। देखिए इस तरह से आप गोटी की मदद से इसको खोल सकते हैं और इसके अंदर से एक स्प्रिंग निकलेगा क्योंकि ये स्प्रिंग ही इसको धक्का देता है और ऊपर रखता है। इस बोल्ट के अंदर भी एक एल्युमिनियम की वार्सल लगी होती है ताकि ये लीकेज ना हो। तो अब हमें जो है इसके अंदर जो है छोटा जो रोलर है उसको फिट कर देना है इस तरह से, देख सकते हैं अब ये फिट हो चुका है। अब इसके ऊपर कुछ मिस्त्री जो है वो प्लेट लगा देते हैं फ्रेंड्स, अभी प्लेट नहीं हमें लगानी है ये बात याद रखें। ये जो रोलर ख़राब हुआ है वो उसका यही रीजन हो सकता है। तो पहले हम जो है फ्लाई व्हील को इसके ऊपर फिट करेंगे, क्रैंक के ऊपर काटर की शीध में रख के, इसके बीच में काटर लगी होती है और उसके ऊपर ये जो नट लगा है 14 नंबर का उसको हम टाइट कर देंगे। फुल टाइट नहीं करना, उतना टाइट करें जिससे ये क्रैंक जो है वो घूम सके। और ये टी वाला निशान है इसको हमें ऐसे थोड़ा हाथ तिरछा रखना है क्योंकि हम इसको बाद में जो है आगे की तरफ धक्का देंगे तो ये जो है जहाँ पर हमें सेट करना है वहाँ पर आ जाएगा। तो उसके ऊपर जब आप ये नट लगा लें, इसको थोड़ा टाइट कर लें और उसके बाद आप के जो है ये यहाँ पर जो कवर है ये मैग्नेट वाला कवर, इस पे जो एलकी वाले ये जो दो नट लगे हैं इन नटों को हमें खोल देना है। देख लीजिए मैंने इसको खोल दिया है, जो ऊपर लगा है छोटे वाला और फिर ये जो बड़े वाला लगा है इसको भी हम खोल देते हैं इस तरह से। देखिए खोलने के बाद अब हम इसके ऊपर ये कवर लगा देते हैं क्योंकि अब हमें करना है इस बाइक का टाइमिंग। तो फ्रेंड्स ये जो तरीका है आप ये HF डिलक्स में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों का इंजन सेम ही है तो उसमें भी ऐसे ही टाइमिंग चैन डलती है यही तरीके से। अब हमें यहाँ पर 14 नंबर की जो गोटी राड है उसको लेना है और यहाँ पर जो दूसरा होल है छोटे वाला यहाँ पर आपको एक टी का मार्क दिखाई देगा, तो हमें यहाँ पर टी का मार्क सेट करना है। देखिए थोड़ा घुमाएंगे, हम राइट साइड में इसको घुमा रहे हैं और घुमाने पर यहाँ पर देखिए टी आ गया और टी की सीध में एक निशान और है। वैसे तो ये जो बिल्कुल जो इसके पास टी के पास ही निशान है ये जो पिस्टन होता है हमारा टॉप पे हो जाता है, लेकिन हम इसको टी की सीध में करते हैं। टी की सीध में इसलिए क्योंकि ये 5 डिग्री पर हमें सेट करना होता है, तो इसलिए हम इसको टी की सीध में करते हैं, जो जिसके साइड में निशान था उसकी सीध में नहीं करते। तो उसके बाद हमें जब हमने टी सीध में कर लिया तो यहाँ पर देखिए इस पॉकेट है, यहाँ पर ये डॉट का निशान है, ये दूसरी साइड में नहीं होता जो इस पॉकेट है आगे वाली। और यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ ये जो इस पॉकेट है इस पर तो डॉट का निशान है, लेकिन जो हमारा हेड है हेड में आप यहाँ पर देखिए आपको एक कट का निशान दिखाई दे रहा होगा ये वाला, यहाँ पर हमें इस डॉट को सेट करना है। वो कैसे करेंगे वो भी मैं आपको करके दिखाऊँगा। पहले आप इस तरह इस पॉकेट को डॉट वाला हिस्सा बाहर करके इस पॉकेट को एक बार जो है ऐसे
सेट कर दीजिए। अब देखिए जो डॉट है वो बहुत नीचे है और वो जो मार्क है वो बहुत ऊंचे है, तो हमें जो ऊंचे पर जो मार्क है उसकी छेद में इस डॉट को करना है। तो हम इसको थोड़ा सा नीचे उतारेंगे इस पॉकेट को, और ऐसे देखिए इस तरह से चैन को नीचे की तरफ लाएंगे। और अब देखते हैं कि डॉट ऊपर चला गया है, अब चेक कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये निशान और ये डॉट का निशान दोनों सीध में आ चुके हैं, तो टाइमिंग जो है वो परफेक्ट हो चुका है। और यहाँ पर जो है टी हमें दिखाई दे रहा है इस निशान की सीध में, ओके। तो अब हमारा जो टाइमिंग है वो परफेक्ट है। तो अब हम यहाँ पर 8 नंबर के जो हमने यहाँ से जो बोल्ट खोले थे इस पॉकेट के अंदर से, उनको अभी लगा देना है। तो हम इसको थोड़ा सा टाइट कर लेते हैं, पूरा टाइट तो हम, या तो आप मैग्नेट को हाथ से पकड़ लें तब भी टाइट हो जाते हैं, या फिर आगे एक थोड़ा पेंचकस वगैरह डाल दें तब भी हो जाता है। एक बार फिर टाइमिंग चेक कर लेते हैं, यहाँ पर टी का निशान ठीक है और आगे वो भी ठीक है। तो अब हमने इसको सेट कर लिया है, तो अब हम इसको जो कवर है उसको वापस उतार देते हैं। और हम जो अभी इस बोल्ट को टाइट करना है, चाहे तो आप फ्लाई व्हील को पकड़ सकते हैं अच्छे तरीके से जो घूमेगा, लेकिन मैं यहाँ पर आगे एक पेंचकस आगे फंसा देता हूँ और इसको ऐसे टाइट कर देता हूँ। आप चाहें तो फ्लाई व्हील को पकड़ के भी इसको सेट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप, अब आप ये जो आपने नट यहाँ पर 14 नंबर का लगाया था जिसको पूरा टाइट नहीं किया था, अब हम इसको खोल लेना है और फ्लाई व्हील को बाहर निकाल लेना है। जब टाइमिंग करें तो फ्लाई व्हील को आप इस जो क्रैंक है उसके अंदर अच्छे तरीके से फिट जरूर कर लें, जो काटर है उसके अंदर। तो फ्रेंड्स, अब हमें ये जो स्प्रिंग है हमने यहाँ से जो निकाला था इस पुश रोड के होल के अंदर से, उस स्प्रिंग को ऐसे अंदर रोकेंगे और ये जो बोल्ट हमने 14 नंबर का खोला था उसके अंदर वार्सल रख के ऐसे उसको टाइट कर देंगे, ओके फ्रेंड्स। टाइट करने के बाद ये रोलर को आप चेक करें, ये चैन के ऊपर अच्छे तरीके से बैठ जाना चाहिए और ये ऑयल पम्प की पॉकेट है ये भी अच्छे तरीके से बैठ जानी चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, अब ये जो टाइमिंग चैन है वो टाइट हो चुकी है, अब ये रोलर बाहर नहीं आएगा। ये वजह होती है फ्रेंड्स, कई बार हम इस प्लेट को पहले लगा देते हैं, लेकिन अभी हम इस प्लेट को लगाएंगे तो अब ये जो रोलर है वो बाहर नहीं आएगा। हमने इसको पेस्टिंग कर दिया है, ये रिंग लें और नीचे भी लगा है और इसको ऊपर भी लगा दें, क्योंकि जब हमने इसको खोला था ये नीचे गिर चुका था। तो ये दोनों रिंग इसमें रख लें और प्लेट को लगाएं, ये हिस्सा जो है आपको ऊपर रखना है, क्योंकि इस हिस्से में जो है हमें जो है जो यहाँ पर चैन डलेगी उसके ऊपर जो पैड लगेगी वो पैड जो है यहाँ पर फंसानी होती है। अब आपने इसके ऊपर से जो दो सक्रिय बोल्ट खोले थे उनको आप अच्छे तरीके से दोबारा से ऐसे ही टाइट कर दें। और अब हम ये चैन लेते हैं, ये छोटे वाला हिस्सा अंदर करना है ऐसे, ये चौड़े वाला बाहर हिस्सा रखना है। और ऐसे आप इसको ध्यान से देखें, जैसे मैंने इसको फिट किया ऐसे आप इसको फिट करें और उसके बाद ये पैड लगाएं। ये पैड का जो सुराख है जहाँ पर फिट हुई है इससे ही पता लगता है कि हम इस प्लेट को कौन सा हिस्सा ऊपर रखना है कौन सा नीचे। तो उसके बाद ये पत्ती लगाएं और ये बोल्ट टाइट करें, पत्ती को ऐसे सेट करें। देखिए जैसे मैं कर रहा हूँ, कभी आप इसको गलत लगा दें, ओके इस तरह से इसको लगाएं। और उसके बाद जो हमने यहाँ से जो लॉक खोला था इस सेल्फ वाली इस पॉकेट के ऊपर से, उसको लगा दें। लॉक लगाने के बाद फ्रेंड्स इसको घुमा के जरूर देखें, लॉक को ये घूमना चाहिए। देखिए ऐसे जैसे मैं घुमा रहा हूँ ऐसे फ्री घूमना चाहिए, यदि ये फ्री घूमता है तो आपका लॉक परफेक्ट लग चुका है, और यदि नहीं घूमे तो आपका लॉक अभी सेट नहीं हुआ। उसके बाद ये प्लेट लगाएंगे, ये डॉट ये निशान देखें यहाँ पर और ये निशान देखें, और उसको आपस में रखें ऐसे, इसको सीध में ऊपर नीचे होगा तो ये प्लेट टूट जाएगी। और दूसरी साइड से 10 नंबर का जो बोल्ट हमने खोला था उसको टाइट कर दें, और ये प्लेट जो है फिट हो चुकी है। अब ये देखिए इसके अंदर 3 रोलर बैरिंग लगे हैं, ये लगे होने चाहिए। और इसको फ्लाई व्हील को हमें उल्टा घुमा के फिट करना होता है, देखिए ऐसे उल्टा घुमाएं, ध्यान रखें सीधा घुमाएंगे तो रोलर बाहर गिर जाएंगे, उल्टा घुमाएं और रोलर ये आपका जो मैग्नेट है वो फिट हो जाएगा। वार्सल रखें और उसके बाद ये 14 नंबर का नट इस पर लगा के टाइट करना है। टाइट हमें उसी टूल से करना है, देखिए जो मैग्नेट के ऊपर काटर लगी है यहाँ पर हम इसको फंसाएंगे
और 14 नंबर रिकॉर्ड के साथ इसको टाइट करेंगे बिना किसी डैमेज के, जिससे हमारी बाइक में बिल्कुल भी वाइब्रेशन पैदा नहीं होगी क्योंकि हमने सही टूल का इस्तेमाल किया है। देखिए अब ये पूरे तरीके से टाइट हो चुका है। उसके बाद हम इसके ऊपर ये जो कवर हमने खोला था, कवर को चेक कर लें, कवर को कोई नट बोल्ट अंदर ना, कोई इसके अंदर डाला हुआ हो, कहीं आपके कोयल वगैरह को डैमेज ना कर दे जब बाइक स्टार्ट हो, तो इस कवर को एक बार अच्छी तरीके से थोड़ा चेक जरूर कर लें। और उसके बाद जो आपने चार बोल्ट यहाँ से खोले थे 8 नंबर के, उनको लगा के अच्छे तरीके से इस कवर को पहले बिठा लें और उसके बाद इसको अच्छे तरीके से टाइट कर देते हैं। और अब हमें जो ये एलके वाले इसके ऊपर से नट खोले थे उनको भी हम अच्छे तरीके से टाइट कर देते हैं। लीजिए फ्रेंड्स, ये अच्छे तरीके से जो है अब टाइट हो चुके हैं। अब हम इसका जो हमने तार निकाला था उसको लगा लेते हैं। थोड़ा सा हम इसको नीचे दबाएंगे नाखून के साथ, क्योंकि इसके पीछे स्प्रिंग लगा होता है और ये स्प्रिंग इस तार को बाहर निकलने नहीं देता। और उसके बाद हम यहाँ पर जो उसका हमने गियर लीवर निकाला था उसको वापस से लगा देंगे। अब मैं आपको आवाज़ सुनाता हूँ पहले और अब की, ये अब की आवाज़ है, सुनिए।